हेलो फ्रेंड्स, मैं चिराग स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पिक्स आर्ट पर। गाइस, फोटोशॉप फॉर बिगिनर की ये हमारी 10वीं क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है ब्रश टूल। गाइस, ये ब्रश टूल बहुत ही यूजफुल टूल है। इससे आप कलर फिल कर सकते हैं या फिर कलर शेडिंग कर सकते हैं या तो फिर आप एक डिजिटल पेंटिंग भी ब्रश टूल की मदद से बना सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स जंप टू द फोटोशॉप। जैसे कि ये हमारी बेसिक क्लास है तो फिर मैं ब्रश टूल के बारे में आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगा, ज़्यादा एडवांस लेवल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ये हमारे ये टूल बार है, ये टूल बार में हम यहाँ पे ये रहा ब्रश टूल का आइकन, इसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ब्रश टूल एक्टिव हो जाएगा, देखिए। या तो फिर जैसे कि हम कीबोर्ड पर बी फॉर ब्रश की को प्रेस करेंगे तो हमारा ब्रश टूल एक्टिव हो जाएगा। देखिए, ब्रश टूल यहाँ फोरग्राउंड में जो कलर होता है उसी को फिल करता है। देखिए, ये यहाँ पे अगर मैं रेड कर देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे ये ग्रीन कर देता हूँ, तो देखिए वो कलर को फिल कर देता है, ठीक है। ब्रश टूल यूज़ करने के लिए हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ब्रश टूल नहीं, जैसे कि आप कोई भी काम करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नए लेयर में ही कीजिए ताकि हम उसे आसानी से निकाल सके। जैसे कि अब मैं यहाँ निकालूंगा और यहाँ से नया कलर लिया और ये कलर को फिल करूँगा तो ये इजीली मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। ब्रश टूल का यूज़ हम पेंटिंग के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ये कलर पिंक कलर लिया, जो मैं यहाँ पेंट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कुछ भी पेंट कर सकता हूँ इसकी मदद से मैं। यहाँ ऊपर ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमें ब्रश की साइज़ बड़ी या छोटी यह इसकी मदद से कर सकते हैं। यहाँ ब्रश की हार्डनेस हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या तो फिर हम सिंपल राइट क्लिक करेंगे तो भी हमें यह ऑप्शन मिल जाएगा जिसकी मदद से हम ब्रश की साइज़ बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये ब्रश की साइज़ मैंने बढ़ा दी, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से ब्रश की साइज़ मैंने कम कर दी, देखिए ये ब्रश की साइज़ मैंने यहाँ कम कर दी। सेम वैसे ही अभी मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, अभी मैं ये लेयर को डिलीट कर रहा हूँ, नया लेयर बनाया। सेम वैसे ही अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये हम उसकी हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने उसकी हार्डनेस 100% कर दी और यहाँ मैंने हार्डनेस 0 कर दी, तो देखिए ये ब्रश हमारा स्मूथ हो गया, ये ब्रश स्मूथ हो गया। हार्डनेस बढ़ाने से ब्रश की स्मूथनेस कम हो जाती है और ब्रश शार्प हो जाता है, और हार्डनेस मैंने कम कर दी तो ये ब्रश हमारा स्मूथ हो गया, ठीक है। ये लेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ, नया लेयर बना रहा हूँ। ब्रश की स्मूथनेस और हार्डनेस हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कीबोर्ड पे ऑल्ट की प्रेस करूँगा और राइट क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं राइट क्लिक को दबाए रखते हुए माउस को मैं अगर राइट साइड मूव कर रहा हूँ तो हमारा ब्रश बड़ा हो रहा है, देखिए ब्रश की साइज़ बड़ी हो रही है। सेम वैसे ही अगर मैं लेफ्ट साइड से मूव करूँगा तो ब्रश की साइज़ छोटी हो रही है, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर मैं माउस को ऊपर की तरफ ले जाऊं तो ब्रश हमारा स्मूथ होगा, देखिए आप हार्डनेस 0% है अभी, और अगर मैं माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो हमारी हार्डनेस 100% हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा अगर आपको टफ लग रहा हो तो ये तरीका बेटर रहेगा, अगर आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से आप हार्डनेस 100% कीजिए, 0 कीजिए, साइज़ बड़ी कीजिए, साइज़ छोटी कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट ब्रश है, ये सब उसके आइकॉन्स है कि हमारे ब्रश अगर हम पेंट करेंगे, स्ट्रोक लगाएंगे तो हमारा स्ट्रोक कैसा बनेगा। जैसे कि मैं ये सॉफ्ट राउंड ब्रश ले रहा हूँ और उसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ, यहाँ से बड़ी किया मैंने साइज़, और देखिए आप मैंने यहाँ स्ट्रोक लगाया तो कैसी स्ट्रोक लगी। अगर मैं हार्ड राउंड ब्रश लेता हूँ तो मैंने उसका स्ट्रोक लगाया तो देखिए कैसे स्ट्रोक लगी, वैसे ही हमें ये स्ट्रोक दिखाता है कि हमारा ब्रश कैसा होगा, ठीक है। एक और चीज़ बता दूँ आपको, सॉरी मैं लेयर पहले डिलीट कर दूँ ये सब, नया लेयर बनाया। एक और चीज़ बताऊं कि कीबोर्ड पर हम स्क्वायर ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है, बिग स्क्वायर ब्रैकेट जो पी के बाजू में है, उससे हम ब्रश की साइज़ बड़ी और छोटी कर सकते हैं। लेफ्ट ब्रैकेट से ब्रश की साइज़ छोट लेफ्ट ब्रैकेट से ब्रश की साइज़ छोटी होगी और राइट ब्रैकेट से ब्रश की साइज़ बड़ी होगी, ठीक। ये तो मैंने आपको आगे भी बताया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम ब्रश को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हम ब्रश को छोटा किया, ये
अभी आगे ये है ब्रश की ऑपोसिटी। चलिए पहले मैं आपको ये मोड़ बता देता हूँ। मोड़ क्या चीज़ है? मोड़ बताने के लिए मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन ले रहा हूँ। मैं रेक्टेंगल मर्की टूल लिया और एक सिलेक्शन बना दिया, तो आप हमारा एक सिलेक्शन एक्टिव हो गया। आप जान सकते हैं सिलेक्शन एक्टिव मतलब ये जो जिगजैग है उसके अंदर का पार्ट वो है एक्टिव। यहाँ पे मैं एक कलर को फिल करता हूँ। मैंने यहाँ से ब्रश सेलेक्ट किया और ये मैं कलर को फिल कर रहा हूँ। चलिए ये मैंने कलर यहाँ से फिल कर दिया। चलिए ये कलर मैंने फिल कर दिया, सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर दिया। अभी मैं सेम लेयर पर यहाँ से, अभी हमारा ब्रश नॉर्मल मोड पे है। अभी मैं यहाँ ये मोड चेंज करके यहाँ बिहाइंड कर देता हूँ और हमारा मैं सिर्फ सेम लेयर पे काम करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से कलर चेंज किया, कलर चेंज मैंने लाइट पिंक कर दिया और हार्डनेस थोड़ी कम कर दी। अब मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो ब्रश है वो जो ये रेक्टेंगल है उसके पीछे पेंट हो रहा है, उसके पीछे कलर फिल कर रहा है, ये उसके ऊपर कलर फिल नहीं करता। तो ये है ब्लेंडिंग मोड बिहाइंड। डार्कन डार्कन करेंगे तो कलर चेंज करूँगा थोड़ा, डार्कन करेंगे तो ये उसके ऊपर कलर को फिल करेगा। जैसे कि हमने लेयर में ब्लेंडिंग मोड देखे थे, यहाँ पे ब्रश का ब्लेंडिंग मोड ठीक वैसा ही है। ठीक है, तो ये ब्लेंडिंग मोड हम ज़्यादा यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम नॉर्मल पे ही रखेंगे। और ये है इसकी ऑपोजिटी, ब्रश की ऑपोजिटी। ब्रश की ऑपोजिटी कैसे वर्क करती है चलिए दिखाता हूँ। ये लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ लेयर वन, और मैं ब्रश को सेलेक्ट करता हूँ। तो अभी ब्रश की ऑपोसिटी है 100%। तो यहाँ मैंने कलर चूज़ किया और यहाँ एक स्ट्रोक लगाया, तो आप देखिए ब्रश जितना, ब्रश की जितनी कैपेसिटी है वो फुल ब्रश ऑपोसिटी उतनी पेंट करता है। जैसे कि मैं यहाँ ऑपोसिटी कम कर दूँ, यहाँ से मैंने सिर्फ करके 35%, तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं कलर फिल कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ये पूरा कलर फिल किया और यहाँ से मैंने वाइट कलर चूज़ किया। अभी मैं यहाँ पे 35% की ओपेसिटी रखता हूँ और कलर को पेंट करता हूँ, तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है हमें। मैं अगर माउस की को रिलीज़ कर रहा हूँ और फिर से यहाँ पे पेंट करूँगा तो ये दोबारा 35% उसी पे पेंट होगा। फिर से माउस की को रिलीज़ करूँगा, फिर से पेंट करूँगा, तो ये उसकी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। ये धीरे धीरे वैसे ही 100% ही एक साथ उसके ऊपर पेंट होता जाएगा। ये 35% है और ये उसके ऊपर 100% हो गया, मतलब ये ट्रांसपेरेंसी इसकी चली गई और ये ट्रांसपेरेंट है। जैसे ही हम किसी चीज़ पर बार बार पेंट करते हैं तो वो एक थिंक हो जाता है, वो उसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है। जैसे ही हम जैसे ही हम वॉल पे भी कभी पेंट करते हैं तो पहले एक बार पेंट करते हैं, फिर वो सूख जाने के बाद उसके ऊपर दूसरे पेंट करते हैं। ठीक वैसे ही हम ये यहाँ इसके ऊपर ये थोड़ी सी ये ट्रांसपेरेंसी लगाई, ये 35% पेंट किया, फिर इसके ऊपर दोबारा 35% से पेंट किया, फिर उसके ऊपर दोबारा 35% से पेंट किया। ऐसे ही हम पेंट करते जाएंगे तो ये उसकी ट्रांसपेरेंसी चली जाएगी। ठीक है, तो ये था ट्रांसपेरेंसी ऑपोसिटी, सॉरी, तो ये था उसकी ऑपोसिटी। ठीक है, ये दोनों लेयर में अभी डिलीट कर रहा हूँ और नया लेयर बना रहा हूँ। ऑपोसिटी में 100% कर रहा हूँ। ये है फ्लो। फ्लो कैसे काम करता है समझिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये रेड कलर चूज़ किया, इसका फ्लो अभी है 100%। तो आप देख सकते हैं ये पूरा 100% फ्लो के साथ ये पेंट हुआ। कुछ कुछ ये ओपोसिटी जैसा ही वर्क करता है। यहाँ पे मैंने उसका फ्लो कम कर दिया, तो आप देखिए उसका फ्लो, ये कलर में ट्रांसपेरेंसी नहीं आई लेकिन उसके थिकनेस में ट्रांसपेरेंसी आई है। देखिए अगर मैं इसका फ्लो और कम कर देता हूँ तो ये देखिए, जैसे ये हम बचपन में स्कूल में पेंटिंग करते थे वहाँ स्केचबुक आते थे, स्केचबुक में हम सेम कलर कहीं हल्के हाथ से पेंट करते थे और कहीं उसे ठीक कलर दिखाना होता था। वैसे ही हम थोड़ा सा कलर, हल्का कलर दिखाना है जहाँ पे, तो हम उसको कलर की डेंसिटी थोड़ी कम लेते थे। हम वैसे ही यहाँ फ्लो इसका वर्क करता है, यहाँ कलर की डेंसिटी थोड़ी कम हो गई है और हम इसे फ्लो थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये कलर की डेंसिटी ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, तो ये फ्लो वैसे ही वर्क करता है। दूसरे तरीके से बोलूँ तो फ्लो के बारे में, मतलब हम पानी का नल,
पानी का नल कैसे, अगर हमें ज़्यादा पानी चाहिए तो पानी का नल पूरा खोल देंगे, और थोड़ा सा थोड़ा हल्का पानी चाहिए तो हम पानी का नल होता है वो थोड़ा धीरे धीरे खोलेंगे। ठीक वैसे ही ये फ्लो भी काम करता है। ठीक है, तो ये थी ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज। तो ब्रश कैसे काम करता है, हम ब्रश टूल का कैसे यूज़ करते हैं, आइए चलिए हम ब्रश टूल का एक एग्जांपल देखते हैं कि आगे हम ब्रश टूल को कैसे यूज़ करेंगे। मेरे पास ये फ़ोटो है गाइज, ये वीडियो एक मैंने बनाया हुआ है कि ऑयली स्किन अगर आपकी है तो वहाँ पे हमें ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है तो हम कैसे करेंगे। तो फिर ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो की लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और ऊपर यहाँ आई बटन, तो वीडियो की लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो वो ब्रश टूल की मदद से हम इसकी ये जो शाइनिंग है, ये जो शाइनिंग ओवर शाइनिंग है, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। तो कम करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ से एक नया लेयर लेता हूँ और मैं यहाँ ब्रश टूल सिलेक्ट करता हूँ गैस। ब्रश ब्रश टूल ब्रश सिलेक्ट करने के बाद अगर हमें कोई कलर सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम ऑल्टर की को प्रेस करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ ब्रश को सिलेक्ट किया और मुझे यहाँ ये शाइनिंग कम करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ उसके बाजू में से ही कलर को सिलेक्ट करूँगा। तो कलर को सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ यहाँ क्लिक नहीं करूँगा, उसकी जगह पर मैं अल्टर को प्रेस करूँगा और यहाँ से कलर को, तो हमारा आई ड्रॉपर एक्टिव हो जाएगा और मैं यहाँ से कलर को चूज़ करूँगा। कलर चूज़ करने के लिए सिंपल मैं यहाँ क्लिक करूँगा, तो देखिए आप मेरा वो कलर सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ से मैं उसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ और फ्लो भी उसका मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। गाइज मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि फ़्लो आप कम ही रखिए, क्योंकि अगर आप एक साथ फ़्लो बढ़ा देंगे तो उसे हम बाद में कम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने फ़्लो पहले से कम रखा है तो धीरे धीरे हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फ़्लो थोड़ा सा कम ही रखिए। तो फिर मैंने यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, तो देखिए उस वो थोड़ी सी ब्राइटनेस उसकी कम हो गई। फिर यहाँ पे ब्राइटनेस कम करने के लिए मैं यहाँ से कलर चूज़ कर रहा हूँ और ये यहाँ पे मैं पेंट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। फिर यहाँ से कलर चूज़ किया और यहाँ पेंट किया। ठीक है, तो ये ब्रश टूल का एक तो ये काम था, देखिए यहाँ पे ये पहला बिफोर और ये आफ्टर। दूसरा काम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसे नहीं, इसको डिलीट कर रहा हूँ। दूसरा तो ब्रश टूल का हम यूज़ दूसरा ब्रश टूल का यूज़ हम मास्किंग के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक कलर फिल किया, मैं यहाँ से कलर चूज़ करता हूँ, ब्लू कलर लिया मैंने ये, और ब्लू कलर को मैंने ये कैनवास पे फिल कर दिया। ब्लू कलर को फिल करने के लिए मैं ऑल्टर और बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये ब्लू कलर फिल हो गया। फिर यहाँ ब्लेंडिंग मोड से नॉर्मल की जगह मैं कर दूंगा सॉफ्ट लाइट, तो आप देखें ये सॉफ्ट लाइट पूरे चेहरे पे हो गया और आंखों पर भी ये ब्लू कलर लग गया है। अभी मुझे सिर्फ आंखों पर ये ब्लू कलर चाहिए, बाकी ऑल ओवर इमेज पे ये ब्लू कलर मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं करूँगा मास्किंग। मास्किंग को करने के लिए ये रहा मास्किंग का आइकन, मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो हमारा मास्क बन जाएगा। तो ये मास्किंग बन गया, अभी मुझे इसको इन्वर्ट मास्क करना है। अगर मैं इसको इन्वर्ट मास्क करना है तो उसके लिए मैं करूँगा इसको इन्वर्ट, कंट्रोल आई, तो ये इन्वर्ट हो गया। अभी फोरग्राउंड कलर में वाइट कलर को रख रहा हूँ और ब्रश सिलेक्ट करते हुए ब्रश की ओपोसिटी में 40% रख रहा हूँ और आंखों पर इसको पेंट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं आंखों का कलर हमारा ब्लू हो रहा है। ठीक है, तो ये था ब्रश का यूज़ जिसे हम मास्किंग के लिए यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं ये बिफोर इसकी आंखें ग्रीन थी और अभी ये ब्लू हो गया। सो गाइज ये था हमारा ब्रश टूल। द ब्रश टूल गाइज फोटोशॉप में बहुत ही यूज़फुल है, सो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।